हेलो एवरीवन, चलिए सब जल्दी जल्दी जॉइन हो जाइए तो फिर मैं अपना लाइव शुरू कर सकूं। हेलो हेलो, क्या आप सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं अपना लाइव शुरू कर सकूं। हेलो कमेंट, हेलो एवरीवन, मैं सोनल त्रिवेदी राजकोट गुजरात से अमूल के सबसे बड़े लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अमूल की पूरी टीम का और दीपा मैम का, जिसने मुझे एक बार फिर से मेरी रेसिपी अमूल के पेज पर दिखाने का मौका दिया। तो अभी सावन का महीना चालू है, तो सावन मतलब शिव जी की आराधना का महीना, तो हम सब उपवास एकटाना और फास्ट भी करते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी ऐसी ही है, कुछ सावन स्पेशल जो हम उपवास में भी खा सकते हैं और ये स्वीट डिश भी है। तो आज मैं बना रही हूँ अमूल की प्रोडक्ट का यूज करके पंचरत्न खजूर रोल। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें पांच चीजें यूज होगी, तो ये कौन कौन सी है आइए देखते हैं। देखिए, ये खजूर रोल है, तो खजूर तो उसमें चाहिए ही चाहिए, तो मेन उसमें खजूर है। यह सफेद तिल है, उसके बदले आप काले तिल भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। ये अमूल का घी है जिसका मैं ये रोल बनाने में यूज करूंगी। ये ड्राई फ्रूट का पाउडर है, ड्राई फ्रूट को मैंने क्रश कर लिया है क्योंकि उसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है, खुशबू। और ये थोड़े से कट किए हुए ड्राई फ्रूट है क्योंकि इस रोल में उसका क्रंची टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मिल्क पाउडर है, ये फ्रेश मलाई है, ये थोड़ी सी ब्राउन शुगर है, ये कोकोनट का पाउडर है, और जो फ्रेश कोकोनट आता है हमें ग्रोसरी की शॉप में इजीली अवेलेबल है, और ये है पीनट का पाउडर। रो पीनट को मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है। तो ये सब चीजें वापर यूज करके मैं आज की रेसिपी बनाऊंगी, और ये सब हमारी अमूल की प्रोडक्ट्स है। क्योंकि अमूल है तो हम सब कुछ अच्छे से बना सकते हैं, और अमूल का टेस्ट का तो क्या ही कहना, हमारे हर एक चीज में अमूल की प्रोडक्ट यूज करके हम अच्छे से अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। और स्वीट में तो अमूल घी का कोई जवाब ही नहीं, स्वीट बना में अमूल घी हम यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्वीट बनेंगी। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉनस्टिक कढ़ाई रख दीजिए और गैस चालू कर दीजिए। अब उसमें ये मैंने अमूल का घी लिया है, एक या दो चम्मच उसमें डाल दीजिए। घी थोड़ा सा पिघल जाए तब हम उसमें ये सफेद तिल डालेंगे, आप उसमें काले तिल भी यूज कर सकते हैं। गैस की फ्लेम लो ही रखिए क्योंकि वो हमें लो फ्लेम पर ही इस तिल को सेकना है। खजूर तो वैसे सबको ही पसंद है, बच्चे और हरेज के लोगों को खजूर पसंद है, और खजूर में विटामिन मिनरल्स और कैल्शियम भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो उपवास में हम जब खजूर की कोई चीज खाएंगे तो हमारा पेट भी थोड़ा भरा भरा रहेगा। देखिए, फ्लेम लो रख के ही हमें तेल को सेकना है।
बहुत ज्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें और चीजें डालेंगे। अमूल घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए अब ये तल सेक रहे हैं, अब उसमें हम फ्रेश मलाई डालेंगे। मैं 2 चम्मच फ्रेश मलाई डाल रही हूं। आप इसमें ममूल का जो खोया आता है वो भी डाल सकते हैं, और हम जब घी बनाते हैं तब उसमें से जो कीटा बच जाता है वो भी बना सकते हैं। पर अगर आपके पास मावा या खोया अवेलेबल नहीं है तो हम फ्रेश मलाई और मिल्क पाउडर के यूज से मावे का फोम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये मिल्क पाउडर है, ये 2 चम्मच में डाल रही हूं। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या आप मिल्क पाउडर और मलाई डालिए, या आप मावा डालिए, या आप किट्टू डालिए। आपको जो भी पसंद हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। फ्लेम सो ही रखिए और अच्छे से उसको हिलाते रहिए। देखिए और मावा और मिल्क पाउडर जब पक जाएंगे तो उसका मावे का ही फॉर्म आ जाएगा, मलाई और मिल्क पाउडर का। देखिए अब ये खजूर है जिसे मैंने मिक्सर में थोड़ा सा क्रश कर लिया है, क्योंकि हमें मिक्स करने में थोड़ी सी आसानी हो और हमारा रोल अच्छे से बन जाए, इसलिए खजूर को उसका सीड्स निकाल के मिक्सर में थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। देखिए अब ये अच्छे से हो गया है मिल्क पाउडर और मलाई का मावा में। अब उसमें हम खजूर डाल देते हैं। उसके लम्स पड़ गए हैं तो उससे आप तोड़ते जाइए और अच्छे से मिक्स करते जाइए। देखिए आप सावन में और कौन सा स्वीट बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे घर में तो खजूर सबको बहुत ही पसंद है, तो मैं अक्सर उसके लड्डू या रोल या उसका हम पाक भी बना सकते हैं। इसके हम थाली में ग्रिश करके डाल दीजिए और उसके पीसेस कर लीजिए तो उसका पाक बन जाएगा। देखिए उसे अक्सर से मिक्स करते रहिए। थोड़ा सा खजूर सोते हो जाए तब हम उसमें पीनट पाउडर और जो कोकोनट का क्रश किया हुआ मैंने डाला है वो सब डालेंगे। देखिए अब ये सब मिक्स हो गया है तो अब इसमें ये ग्रेटेड कोकोनट है वो डाल सकते हैं। कोकोनट और पीनट पाउडर का कोई ऐसा फिक्स माप नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना अच्छा लगे उतना ही डाल सकते हैं। मेरे घर में सबको कोकोनट बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी। देखिए अच्छे से मिक्स करिए तो वो सब ऐसे ही कुल मिल जाएगा। देखिए अब ये पीनट पाउडर है, ये थोड़ा सा ये भी मैं डाल रही हूं। सब कुछ इसमें हेवी हेवी है तो जब ये बनकर तैयार होगा
तो आप एक या दो पीस खा लेंगे तो भी आपका पेट भरा भरा रह जाएगा। कैसा बन रहा है सब मुझे कमेंट कीजिए। मेरे कौन कौन से फ्रेंड देख रहे हैं मुझे देखिए और बताइए कैसा बन रहा है। देखिए अब इसमें मैंने कोकोनट पाउडर और जो पीनट पाउडर डाला है उसकी वजह से मैं उसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। वैसे तो खजूर का अपना ही स्वीटनेस होता है, इसे मुझे थोड़ा सा डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसमें डालने की जरूरत नहीं है, खजूर स्वीट ही होता है। पर हमने ये जो कोकोनट पाउडर और सिंक का वो पीनट पाउडर डाला है उसका टेस्ट का बैलेंस करने के लिए मैं उसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालूंगी। अगर आप नहीं डालना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए अच्छी सी खुशबू आ रही है मुझे सबकी। अब ये ड्राई फ्रूट का मैंने पाउडर बना लिया है, वो आप हमेशा लास्ट में ही डालिए, क्योंकि जब हम सोते करते हैं तब ड्राई फ्रूट डालते हैं तो उसकी अरोमा उसके साथ उठ जाती है। अब लास्ट में आप डालेंगे तो उसकी खुशबू ऐसे ही हमारी रेसिपी में रह जाएंगी। ये हमारी एक अच्छी सी मेरी फ्रेंड है, उसका टिप्स है, और कौन है वो आप सबको भी मालूम है। अगर मालूम है तो आप मुझे नाम लिख के बताइए कि ये किसकी टिप है, और जिसकी टिप है वो भी देख रही है तो वो भी बोल सकती है कि ये तो मेरी टिप है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कट किया हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल रही हूं क्योंकि इसका क्रंची टेस्ट इस रोल में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो भी चल जाएगा, पर अब जब हम रोल डालेंगे तब इसका क्रंची टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए अब सबको हम मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। देखने में कैसा लग रहा है सब बताइए मुझे। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम उसका रोल बनाएंगे, इसलिए मैं उसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए दिखने में कैसा लग रहा है बताइए, और खाने में कैसा लगेगा उसके लिए तो आप सबको मेरे पास आना पड़ेगा मेरे घर। कौन कौन बोल रहा था मुझे कि मैं तो आपके घर आके खाऊंगी, आ जाइए सब। देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसका रोल बना लेंगे। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, तो अभी ये रोल भी बन जाएगा, उसका लड्डू भी बन जाएगा, और अगर आपको इसका पीसेस बनाने हैं तो आप एक थाली लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर लीजिए और उसमें ये मिश्रण ढाल दीजिए और थोड़ी सी देर में चाकू से उसमें कट लगा दीजिए। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है, पर लाइव में तो हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। देखिए
देखिए ये अच्छे से रोल बन रहा है। आप इसी टाइम पे लड्डू भी बना सकते हैं और पीस भी कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप बना लीजिए। इसमें बहुत ही पौष्टिक चीजें हैं, तिल है, कोकोनट है, पीनट्स है, ड्राई फ्रूट्स है और सबसे ज्यादा इसमें खजूर है, तो ये बहुत ही हेल्दी चीज हो जाएगी। देखिए ये मैंने रोल बना लिए हैं, अभी के लिए तो बन गए हैं, बाकी के मैं बाद में बनाऊंगी। आपको इसको हम कोकोनट में स्प्रेड कर लेंगे। देखिए दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब उसके ऊपर कोकोनट का कोट आ जाता है। देखिए ये हमारे रोल बनने से अच्छे से बन गए हैं, अब हम उसको प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। देखिए सावन चालू है तो मैंने शिवजी की पूजा के लिए उसमें रखा है। अब हम इसको भोग लगाएंगे। देखिए ये हमारा पंचरत्न खजूर रोल जो मैंने ये इसी पांच चीज से बनाया है वो बनकर एकदम रेडी है और हम इसका शिवजी को भोग लगाएंगे। सब लोग मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और मैं नेक्स्ट में अमूल में आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी देने की कोशिश करूंगी। अंत में लास्ट में ये 1 बजे का लंच का टाइम है, फिर भी जिसने मेरे लाइव देखा है उसका सबका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और फिर से एक बार अमूल का धन्यवाद और दीपा मैम को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।